बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, मेरा आपसे सवाल करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आपका किरदार हम सब के सामने है। एक क्रिकेटर की हैसियत से आपने आगाज़ किया और आपने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल की। उसके बाद एक पॉलिटिशियन की हैसियत से भी आप जब इस फील्ड के अंदर आए तो भी आपका किरदार हमारे सामने है। जो हमें सबसे ज़्यादा आम बात नज़र आई कि आपके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं है। आपने शोहरत और पैसे को बहुत छोटी उम्र में देखा तो उसका कोई लालच आपके अंदर नहीं था। आज जिस मकाम पर आप खड़े हैं, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आप दरिया के उल्टे रुख अकेले चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बैरूनी ताकतों के सामने आप सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हो गए। गुज़िश्ता 40-45 सालों से सब कॉन्टिनेंट के अंदर जिन ममालिक को हम एड्स देते थे, आज हम उनसे एड्स लेते हैं। हम स्टोनेज इरा की तरफ वापस चले गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप बैरूनी ताकतों से बेखौफ होकर सिर्फ खुदा पर अपने ईमान और यकीन के साथ तन तनहा कैसे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिर की तरफ लेकर जाएंगे? देखिए रीमा, मैं आपको एक बात बताऊं। हमारे बदकिस्मती से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में देखा, क्रिकेट में मैंने देखा, फिर क्रिकेट के बाद भी मैंने लोगों को देखा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो क्रिकेट में उस स्टेज पे लेके गया जो बड़े कम क्रिकेटर्स पहुंचते हैं, और हमारे मुल्क में तो शायद एक दो ही खिलाड़ी वहाँ पहुँचे हों। तो वो मैंने सारा स्टेज देखा, फिर मुझे इज़्ज़त भी मिली। फिर मैं जब उसके बाद निकला तो तब भी मैं बड़े मुख्तलिफ़ किस्म, क्योंकि मैंने एकदम बजाय क्रिकेट में रहने के मैंने एक नई ज़िंदगी, हॉस्पिटल बनाना और फंड रेजिंग, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स तीसरी मेरी ज़िंदगी थी। तो मैं सारी वक्त लोगों को मिलता रहा मुख्तलिफ़ किस्म के। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हैं। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, क्योंकि फरिश्तों, शैतान ने जब नहीं झुका तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता मैंने इसे कितनी सलाहियत दी है। मौलाना रूमी इसको एक और तरह कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों को कहते हैं जब तुम्हें पर दिए तो तुम क्यों चूंटियों की तरह रींगते हो। कहने का मकसद ये है कि हम सब में अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं। हमारे में मसला क्या आ जाता है कि हमें, हम ज़मीनी खुदाओं को, हम बुत परस्ती लग जाते हैं रास्ते में, हम खौफ का बुत पूजा करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोई जलील कर देगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे कोई मार देगा, मुझे मेरी रिस्क, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सारे जो ये खौफ का बुत है ये इंसान को रोक देता है अपनी मुकाम पे पहुंचने के, अपनी ख्वाब के पीछे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक हमें अल्लाह का हुक्म है कि उनकी ज़िंदगी से सीखो, तो वो भी तो एक, हमने उनकी ज़िंदगी से क्या सीखा? वो इंसान जो सादिक और अमीन था 40 साल, वो सिर्फ 10 साल, जब 40 साल के बाद उनको नबूवत मिली, 10 साल सिर्फ 40 लोग मुसलमान हुए थे, हर किस्म की मुश्किल उनको उठानी पड़ी। तो अल्लाह ने हमें उनकी ज़िंदगी से क्या सिखाया कि इंसान के हाथ में सिर्फ उन्होंने नियत और कोशिश दी है। अल्लाह का जब फैसला होता है तो जब 13 साल के बाद वो मदीना की रियासत संभाली तो देखते देखते उन्होंने दुनिया की तारीख ही बदल डाली। यानी किसी इंसान ने वो नहीं किया जो उन्होंने उस 10 साल में करके, यानी दुनिया में वो इनकलाब आया जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो हमें जब वो अल्लाह कहता है उनकी रास्ते पे चलो, तो उनका रास्ता मुश्किल रास्ता है, लेकिन जिन लोगों के पास ये कुव्वत होती है अपने खौफ को काबू पाने के और अल्लाह में मान रख के और ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने की, कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा, वही लोग बड़े काम करते हैं। तो इसलिए मुझे कोई खौफ ही नहीं है, क्या होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, क्या होगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, लेकिन मैं अपने ज़मीर को उसका तो सौदा नहीं करूँगा, और आखिर में अपने अल्लाह को जवाब दूंगा कि मैंने कोशिश पूरी की। और यही सिर्फ वो हमारे से एक्सपेक्ट करता है हमारा अल्लाह। हमें आप पर फख्र है खान साहब, खुदा आपको सलामत रखे और आपके मकासद में आपको कामयाबी अता करे। जी शुक्रिया।